इस टाइप का 3D वीडियो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ आईफोन PNG फोटो के साथ। तो बहुत ही गजब तरह का वीडियो है, आप कैसे बनाएंगे आज के इस वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट आपका भाई सिखाने वाला है। बिना वीडियो को स्किप किए कंप्लीट देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। यहाँ पर आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और जो प्रोजेक्ट का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मटेरियल PNG मटेरियल का लिंक मैं दे दूंगा। और अगर आपको मटेरियल सिंपल चाहिए, डायरेक्ट चाहिए, तो आप टेलीग्राम पर जाना, वहां पर आपको मैं दे दूंगा। बहुत ही आसानी से वहां डाउनलोड आप कर सकते हैं। प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना है, ये दोनों प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे, सेक इफेक्ट का और बीट का। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बीट के प्रोजेक्ट को ओपन करना है। ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आपको एक बैकग्राउंड फोटो, एक आपको कैमरा PNG, एक आपको फेस लोक PNG, एक आपको आईफोन PNG, ये चार PNG फोटो मिलेंगे। इनको आपको डाउनलोड कर लेना है। बाकी आपको 5 गर्ल्स के PNG फोटो मिलेंगे, वो भी आपको डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है। अगर आप कोई दूसरे यूज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, बट मैंने जो यूज किए वो मैं आपको दे दूंगा, आप उनको डाउनलोड कर लेना। आप किस तरीके से किसी भी फोटो को PNG में निकालेंगे वो आपको मैं वीडियो में कभी कभी भी कहीं भी बता दूंगा। यहाँ पर आप सबसे पहले जो भी लेयर बंद है आप इस तरीके से सभी लेयर को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको आपका प्रोजेक्ट दिख जाएगा, ओके। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है बैकग्राउंड है, यहाँ पर व्हाइट लेयर्स पे क्लिक करना, कलर एंड फील पे क्लिक करके आपको यहाँ पर स्टार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर एक बैकग्राउंड फोटो में जो दूंगा उसे आप यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बैकग्राउंड मिलेगा, PNG मिलेगा, फेस लुक आइकन मिलेगा, ये कैमरा मिलेगा, इन चारों को डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करें, प्लस पे क्लिक कर देना। बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ओके। बैकग्राउंड ऐड होने के बाद यहाँ पर एक ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप पे क्लिक करके एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल करना है, सबसे नीचे यहाँ पर जो भी लेयर बंद है आपको सबसे पहले सभी लेयर को इस तरीके से ऑन कर देना है। सभी लेयर को आप स्टेप बाय स्टेप ऑन कर देंगे और यहाँ पर हम जो फोटो यूज करने वाले हैं बॉयज के और गर्ल्स के फोटो यूज करने, दो तरह के। तो जो गर्ल्स के PNG फोटो वो तो मैं आपको दे दूंगा और बॉयज के फोटो आप अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगता है, अपना या फिर दूसरों का जो भी चाहिए वो आप ऐड कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर जो रेड ग्रुप है इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है। यहाँ पर ये लेयर आपको दिख रही है ना, यहाँ पर आपको कैमरा आइकन, इस पर आपको क्लिक करना है। कलर एंड फील पे क्लिक, स्टार पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है, ये वाला कैमरा PNG सेलेक्ट करके प्लस पे क्लिक कर देना, ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप आगे आ जाएंगे। बाकी तो यहाँ पर आपको कुछ क्या करना है, यहाँ पर आपको जो फेस आइकॉन है यहाँ पर ऐड करना होगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा है स्माइल फेस PNG, इस पर क्लिक करके कलर एंड फील पे क्लिक, स्टार पर क्लिक करना है। और आपको जो वो जो फेस PNG ये वाली आपको लेनी है, आपको प्लस पे क्लिक कर देना, ये ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से इन सभी में ऐड कर लेंगे, यहाँ तक ऐड कर लेंगे सभी में, इन पर लिखा हुआ है तो आप फटाफट यहाँ पर ऐड कर लेंगे। इस तरीके से मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, आपको ऐड कर देना, इस तरीके से सभी में ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फोटो ऐड करना है। यहाँ पर लिखा है आईफोन PNG वाइट लेयर पर, इस पर क्लिक करना है। कलर एंड फील पर क्या, स्टार पर क्लिक करना। आईफोन PNG को लेंगे, प्लस पर क्लिक कर देंगे तो आईफोन PNG यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ओके। बाकी आपको नीचे यहाँ पर दो फोटो ऐड करने होंगे, नीचे इमेज लिखा हुआ है, तो आपको सबसे पहले यहाँ से बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है और आपको 9x16 की साइज लेनी है। आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। जो भी फोटो आप यूज करने वाले हैं सबसे पहले उस फोटो की साइज को आपको 9x16 साइज में रख लेना है। इसके लिए आपको प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप उस वाले फोल्डर में जाएंगे जहाँ पर फोटो है आपके, फोटो पे आपको क्लिक करना है। थ्री लाइन पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करके साइड में टैप करना है। ऊपर आपको सेटिंग के पास के ऑप्शन पर क्लिक करना है। करंट फ्रेम एस PNG को सेलेक्ट करना है। एक्सपोर्ट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक करना है। इस तरीके से आपको 9x16 साइज में अपने फोटो को सेव कर लेना है और वापस इसी ग्रुप पे क्लिक करके एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है। नीचे व्हाइट लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फील पे क्लिक करना, स्टार पर क्लिक करना है। पर फोल्डर पे क्लिक करके अलाइट मोशन के फोल्डर में जाइए। अभी जो हमने फोटो सेव किया उस पर क्लिक करना, आपको प्लस पे क्लिक कर देना, फोटो ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक लेयर और मिलेगी लास्ट में, इस पर क्लिक करना, कलर एंड फील पे क्लिक, स्टार पर क्लिक। इसमें आप दूसरा फोटो लेंगे लेकिन जो साइज है वो वही होनी चाहिए 9x16, आपको प्लस पे क्लिक कर देना। टोटल हम दो फोटो यहाँ पर ऐड कर लिए। अब आप यहाँ से आगे आ जाएंगे, आपका काम यहाँ पर देखिए इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है, ओके। अब आपको एक ग्रुप यहाँ पर एक और मिलेगा, इस पर क्लिक करके एडिट ग्रुप पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको आईफोन PNG ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो आप ऐड कर लेना। क्लिक करके कलर एंड फील पे क्या, स्टार पर क्लिक करना और आईफोन PNG को आप यहाँ पर लेंगे डाउनलोड के फोल्डर से और आपको प्लस पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पर आपकी PNG ऐड हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर नीचे चार फोटो ऐड करने होंगे, चार लेयर बंद है, आपको सबसे पहले चार लेयर को ऑन कर देना। ऑन करने के बाद आपको क्लिक करना है, कलर एंड फील पे क्लिक करना, स्टार पे क्लिक करना।
सबसे पहले मैं अलाइट मोशन के फोल्डर में आ जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर फोटो है 9x16 साइज के। आपको फोटो पे क्लिक करके प्लस पे क्लिक कर देना, फोटो ऐड हो जाएगा। सेकंड लेयर पे क्लिक करना, कलर एंड फिल पे क्लिक, स्टार्ट पे क्लिक करना। इसमें आप दूसरा फोटो लेंगे और प्लस पे क्लिक कर देंगे, साइज वही होनी चाहिए 9x16। उसी तरीके से आप चार फोटो स्टेप बाय स्टेप ऐड कर लेंगे। ओके, हमने यहाँ पर टोटल चार फोटो ऐड कर लिए, इस तरीके से आपको ऐड कर लेना है। ओके, ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए हमने यहाँ पर टोटल चार फोटो ऐड कर लिए। उसके बाद आप आगे आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारे चारों फोटो ऐड हो चुके हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको आगे आ जाना है, ओपन कर लेना है यहाँ पर आपको सेक इफेक्ट के प्रोजेक्ट को। यहाँ पर कोई एक वाइट लेयर मिली बंद है, इसको ऑन करना है, इस पर क्लिक करना है, बीच में क्लिक करके कॉपी लेयर कर लेंगे, आगे आ जाएंगे और आप पीट के प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सबसे फर्स्ट में रहना है, बीच में क्लिक करके पेस्ट लेयर पे क्लिक करना, लेयर पेस्ट हो जाएगी। अब आप इस वाले बीट पे आएंगे, वापस बीच में क्लिक करना, पेस्ट लेयर पे क्लिक करना। अब आप इस वाले बीट पे आएंगे, इस लेयर पे क्लिक करना, साइज कम है तो आपको स्पीड के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर देना। वापस बीच में क्लिक करना, पेस्ट लेयर करेंगे। अब आप यहाँ पर आएंगे, इस पर क्लिक करना, स्पीड के ऑप्शन पे क्लिक करना, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। वापस बीच में क्लिक करना, पेस्ट लेयर करेंगे। आप यहाँ पर आएंगे, इस लेयर पे क्लिक करना, स्पीड के ऑप्शन पे क्लिक करना, साइज को बराबर करेंगे। वापस यहीं पर आएंगे, बीच में क्लिक करना, पेस्ट लेयर पे क्लिक करना, यहाँ पर आपको डबल बीट मिल जाएगी, यहाँ तक इसको रखना है, इस लेयर पे क्लिक करना और यहाँ पर आएंगे, स्पीड के ऑप्शन पे क्लिक करना, आपको यहाँ पर क्लिक करना। देखिए अभी बीट के हिसाब से सभी लेयर की जो साइज है वो यहाँ पर कंप्लीट ऐड हो चुकी है। अब इनमें आपको गर्ल्स के पीएनजी फोटो ऐड करना है जो मैं आपको देने वाला हूँ। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना, स्टार पे क्लिक करना है, वो पीएनजी फोटो मिल जाएंगे कुछ इस टाइप के। तो आपको क्या करना है, फोटो पे क्लिक करके प्लस पे क्लिक कर देना है, देखिए फोटो हमारा ऐड हो चुका है। सेकंड लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना, स्टार पे क्लिक करना, दूसरा फोटो लेंगे पीएनजी वाला, प्लस पे क्लिक कर देंगे, ये भी ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से हम इन पाँचों में आपको अलग अलग पाँच पीएनजी फोटो ऐड कर देंगे, ठीक है, मैं आपको दे दूंगा। लेकिन अगर आपको अपने हिसाब से कोई ऐड करना है तो वो आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, बाकी जो मैं यूज करने वाला हूँ वो फोटो आपको मैं दे दूंगा, ये सारे फोटो मैं आपको दे दूंगा। ये हमारा काम कंप्लीट है, हमारा वीडियो भी बन चुका है। अगर आप यहाँ पर SDR इफेक्ट का यूज करना चाह रहे हैं तो आपको आगे आना है, ओपन कर लेना है सेक इफेक्ट के प्रोजेक्ट को, नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे आपको तीन इफेक्ट क्लियर मिलेगी, तीनों को इस तरीके से सेलेक्ट करना है, बीच में क्लिक करना है, कॉपी से क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे आ जाएंगे और यहाँ पर आप बीट के प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे। सबसे फर्स्ट में रहना, बीच में क्लिक करना, पेस्ट क्लियर पर क्लिक करना, इस तरीके से SDR इफेक्ट पेस्ट हो जाएगी। और इस तरीके से देखिए हमारा वीडियो यहाँ पर कंप्लीट बन चुका है। इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सेटिंग के पास के ऑप्शन पर क्लिक करना है, वीडियो को सेलेक्ट करके एक्स